देश में 5 राज्यों के चुनाव सिर पर है, लेकिन कांग्रेस के अंदर चिंता कुछ और ही है। पार्टी में अंदरूनी कलह की एक झलक तब देखने को मिली जब कल पार्टी के कई सीनियर नेता जम्मू में एक साथ जमा हुए, जबकि राहुल गांधी दक्षिण भारत में व्यस्त रहे। सवाल ये कि कांग्रेस इस तरह से बीजेपी को चुनौती कैसे दे पाएगी। ये दो तस्वीरें आज कांग्रेस पार्टी की हालत बयान करती है। एक तरफ है राहुल गांधी जो अकेले दक्षिण भारत में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, और दूसरी तरफ पार्टी के कई सीनियर नेता जम्मू में गुलाम नबी आजाद का स्वागत करने के लिए साथ जमा हुए। सवाल है कि क्या पार्टी अब दो धड़ों में बढ़ चुकी है? राहुल गांधी पर इस वक्त कांग्रेस को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी है। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान होने के बाद राहुल गांधी तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले पहुंचे। तूतुकुड़ी पहुंचने पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तूतुकुड़ी में राहुल गांधी ने यहां देश में कांग्रेस के कम होते जनाधार पर सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी ने पैसों के दम पर कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई है। The amount of money that was thrown at the MLAs in Madhya Pradesh. I know the amount of money that was thrown at the MLAs in Rajasthan. We are talking massive amounts of money. दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। यही वजह है कि फिलहाल राहुल गांधी दक्षिण भारत में डेरा जमाए हुए हैं। खुद राहुल केरल के वायनाड से सांसद हैं। कांग्रेस की डूबती नैया को शायद राहुल गांधी दक्षिण भारत के जरिए पार लगाना चाहते हैं। राहुल गांधी इस साल तमिलनाडु में 5 दिन रहे, इस साल केरल में 3 दिन रहे, इस साल पुदुचेरी एक दौरा किया, असम में एक दिन का एक दौरा किया, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस साल अभी तक नहीं गए। राहुल और सोनिया गांधी से कांग्रेस के सीनियर नेताओं की दूरी चर्चा का विषय रही। संसद से विदाई लेने के बाद गुलाम नबी आजाद 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर गए। उनके साथ कपिल सिब्बल, राज बब्बर, मनीष तिवारी, विवेक तन्खा समेत कई नेता मौजूद रहे जो कांग्रेस के उन 23 नेताओं के दल का हिस्सा हैं जिन्होंने सोनिया और राहुल के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। खास बात यह है कि कार्यक्रम में राहुल और सोनिया गांधी कांग्रेस के पोस्टर तक से गायब थे। राजनीति में, लोकतंत्र में, जमहूरियत में हर पार्टी को हुकूमत बनाने का हक। हम नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी मज कमजोर हो, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई तो समझ लीजिए कि देश कमजोर। जब इस मुल्क के ऊपर संकट है, इस मुल्क की होंद को चुनौती दी जा रही है, तो शायद किसी भी समय से ज्यादा आज हमें जरूरत है श्री गुलाम नबी आजाद साहब की। लोग कहते हैं G23, मैं कहता हूं गांधी 23। ये G23 कांग्रेस की मजबूती चाहती है। कांग्रेस में फिलहाल 23 नेताओं ने ही खुलकर शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, लेकिन अगर गुलाम नबी आजाद के कहे पर जाएं तो ये संख्या और बड़ी हो सकती है। मेरे सामने कोई 75 लीडरों के नाम है, और अगर मैं 75 लीडरों के नाम लूंगा तो आधे लोग उठ जाएंगे। कांग्रेस के सीनियर नेता भले ही पार्टी के अंदर लोकतंत्र खत्म होने पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की फिक्र इस वक्त कुछ और है। We cannot rely on the institutions to protect our democracy anymore. There is only one place where we on whom we can rely, and that is the people of the country. ABP News, aapko rakhe aage.